अब मौसम का रुख बदल गया है, बर्फीली हवाओं ने पारा गिरा दिया है, ठंड ने आम आदमी को बेदम कर दिया है। जी हाँ, दिसंबर में पहली बार जबरदस्त सर्दी का एहसास हुआ। रविवार से चल रही शीतलहर सोमवार को भी जारी रही। बादलों के बीच बार बार सूर्यदेव की लुका छुपी दिन भर चलती रही। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों भारी हिमपात हुआ है। उत्तर भारत से पूर्वी दिशा की ओर चलने वाली हवाओं ने मध्य प्रदेश को शीतलहर में जकड़ लिया है। वैसे भोपाल, आष्टा, सोनकक्ष आदि स्थानों पर बारिश भी हुई थी। फिलहाल बादलों के कारण कुछ ठंड कम है, लेकिन पारा अचानक 11 डिग्री गिरा है। जैसे ही बादल छट जाएंगे ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हवाएं भी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, यानी आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। सोमवार को भी दिन भर सूर्यदेव बादलों के बीच लुका छिपी करते हुए नजर आए। वहीं लोग धूप सेकने के लिए सूर्यदेव के सामने खड़े रहे, लेकिन हवाओं ने चुभन भरी ठंड का एहसास करवाया। देखिए, अभी आने वाले समय में आपने देखा होगा कि जो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है और आपका श्रीनगर एरिया, जिसमें बर्फबारी हो रही है, तो इसकी वजह से जो बर्फबारी हो रही है और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और आसपास के इधर नॉर्थ ईस्ट हवाएं चलने की वजह से हमारे यहाँ जो ठंड की अभी लग रही है, तो एक दो दिन से आपने देखा होगा कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई। अधिकतम तापमान में भी 24 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आने वाले समय में नॉर्थ ईस्ट हवाएं जब तक चलेगी तब तक हमारे यहाँ ठंड पड़ती रहेगी। हवाओं की जो गति है वो 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बह रही है। देखिए, आने वाले समय में अभी तो ऐसा है कि बादल तो हल्के फुल्के ही छाए रहेंगे, पर हवाएं जो हवाओं की गति है वो 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी, और फिर हवाएं चलेगी तो वो ठंडक लेके ही चलेगी।